सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद जिले के मैंगलपुर गांव में। और आप देखो कितनी बड़ी चौपाल बना दी है, 1 करोड़ की लागत है यह चौपाल बना रखी है मैंगलपुर गांव वाले ने। कति गजब डा रखा है, इतनी बड़ी चौपाल कर दी खड़ी कि आपने नहीं देखी होगी कितने भी। तो कब यह बनवाई थी, कितने दिन इसमें बनने में लगे हैं और कितना पैसा लग गया है, तो सारी चीज़ पूछेंगे भीतर चालकन है। लेकिन आप एक बार नज़र मार लो कितनी बड़ी चौपाल है, मतलब जो बड़ी बड़ी कोठी होया करे, बड़े बड़े महल होया करे, उनने भी फैल कर रही है। सारी की सारी पर पत्थर ला रखा है, तो ये देखा होंगे आपने पत्थर सारे का ला रखा जो राजस्थान से लाया गया है वो पत्थर। ये देखो आप जड़े भी देखोगे उड़े, मतलब सारे का पत्थर ला रखा है, प्योर पत्थर ही जो राजस्थान से लिया कर लाया गया। ऊपर तो ही सारा पत्थर इस्तेमाल में कर रखा, बाकी ताऊ और हाड़े ताऊ और तो पूछेंगे राम राम ताऊ। वो ताऊ खड़े गए, वो बोला ताऊ ताऊ हिंदी बोला। हां मैं आ गया भाई पाछो, आज आगे ना ताऊ। राम राम ताऊ। हां राम राम भाई। के नाम है ताऊ? महावीर है भाई, जांगड़ा। हां ताऊ, या जो चौपाल बनाई है कितनी लागत बनी है? ये किस पे 96,000 रुपया खर्च, लाख रुपया खर्च। हां 96 लाख। 96 लाख की लागत। हाँ जी हाँ जी। तो क्यों कर दिमाग में आई है कि इतनी बड़ी लागत है? ये थे पहले भी हमारी अड्डे बड़ी थी, छोटी ईंटा अच्छा। की थी इससे जगह। हाँ ये न्यू की न्यू प्योरी से जगह पे। अच्छा। हाँ वो फिर वो हमने पत्रकारों पर और दिखवाई, मिस्त्रियों पर दिखवाई, में हमने वो सारी बोधी हो चुकी थी, उसकी मरम्मत करवाने का 71 बटले हुए थे। अच्छा। फिर वो हमें नरवाना गए, नरवाना जाए कहने मिस्त्री बुलवाया बड़े वो कहना, और फिर वह दिखवाई, वह सारी बुद्धि मिली। फिर वह गांव के बोले भाई दोबारा पैड़ेगा, दोबारा बढ़ाओगे नई सिरे। कई साल में तैयार हुई था ये? के ना लगभग 1.5 साल लग गया इसमें। 1.5 साल में? हाँ तैयार होगी सारी। तो जो ये सारा पत्थर ला रखा है, इसमें कड़े तला ला रखा है, ये सारा बाहर से हमने ठेका दे दिया था इसका। अच्छा। राजस्थान से ले आए? राजस्थान। हाँ ये हमारी अपने आप खरीदे है, नीचे वाले का रोड। हाँ मतलब तो सारे का पत्थर लगवा दिया? हाँ सारी का पत्थर, ऊपर नीचे सब, ऊपर टाइल है, ऊपर ली मंजिल में। मतलब कारीगरी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ ये स्पेशल है, राजस्थान के मिस्त्री ले आए थे हमें जींद, अपने अब जाट धर्मशाला बन रही है, जो उसके पर पत्थर ला दो वही मिस्त्री, फिर हमें देख कहना वो पसंद आएगी। हमें पहले जयपुर गए थे 5 आदमी। चलो तो उपगेल की गेला देख भी लेंगे, गेला पूछ भी लेंगे। हां हमें पहले जयपुर गए थे 5 आदमी। अच्छा। हां फिर ओड़ा जाएगा ने, फिर मारा समझ भाई ओड़ा जाएगा, हम नहीं पत्थर लग गए थे, फिर हमें पूरे जींद गए जाट धर्मशाला में, ओड़ा जाएगा ना हमने 3 मंजिली बना दी। तो हां 3 मंजिली बना दी, तो ये पलंग भी पूरे भरे भरे बना रखे हैं ये भरे भरे। तो भाई कहना उरे तो फिर कौन को ठावा करे करे, मैं फिर मैं जो होवे सिकिनी भी तो जरूरी है नहीं। ये अभी बनवाया का तरह सारे दो भी नहीं हुए थे बनाया, ये हमने नरवाने से लकड़ी स्पेशल खरीदी शीशम की। अच्छा। आ रहा है पता है। अच्छा। और दो रहे खड़े हो गया चिरुआ कर, फिर हमारा गांव का मिस्त्री उरा गांव में मैं, और एक सतीर खरीदिया पुराना। तो एक पलंग की लागत कितनी? एक पलंग की लागत इसको ऊपर 8,000 रुपया खर्चा आया। हाँ पूरा मतलब दादा ले पोता बरतो बना। हाँ दादा ले पोता बरते, आगे पड़पोते बरते हैं, जो जिस भाई का सरदा है 14 तख्त है, 14 ऊपरली मंजिल में, 14 नीचे है। अच्छा। हाँ और सारे पंखे 14 पंखे नीचे चले है, 14 ऊपर, ये सब गांव किसी होगा, किसी ने दे दिया, एक दे दिया, किसी ने सबका सब गांव गांव वाले, ये तो स्पेशल वैसे दे रखे हैं। अच्छा। और जो हमने यह थ्याई बनाई, फिर हमने शुरू में तो लाए थे 1,000 रुपये बात। अच्छा फिर मैं हमने कुड़िए वाई एक करके, और फिर मैं हमने गांव वाले ने यूँ कर लिया भाई जिसके जाए किले नहीं, किल्या का हिसाब होता है गांव वाला, तो जिसके नहीं किले हो तो 500 रुपये दे दियो। अच्छा। और 500 रुपये किले के हिसाब से हुआ ली गाँव में, जिसके जितने किले उससे। हाँ जिसके जितने किले 500 रुपये किले का हिसाब से दे दियो, 2 किल्या तो नीचे नीचे वाले का 500 रुपये, उस जो तीसरा किला तो 500 रुपये किला का पड़ गया। पर मतलब मिल गया सारी गांव वाले, सारा गांव का एक से हो गया है, जो एक आदमी जाएगा 4 आदमी जाएगा तो पास करिए, वही गांव वाले ना मंजूर। मतलब तो जो 96 लाख रुपये इसमें लाग रहे हैं तो सारे गांव वाले के लाग रहे ना? इसमें तो क्या ना 10 लाख तो आए थे दुष्यंत के। अच्छा। और 15 लाख आए थे बलिंदर के, 5 मैडम के, 10 बलिंदर सिंह दे गया, मतलब 25 लाख तो वे दे के जा रहे हैं। हाँ हाँ। और बाकी सारा रुपया, सारा काम का रुपया लग गया, और ताऊ गांव ने भी चाड़ा पाट दिया, इतना रुपया ला दिया। ये तो रुपया तो के ना ये तो 1.5 करोड़ में बना है। फिर गांव वाले जो भरत भुरत मिट्टी माटी, मारे गांव वाले ट्रैक्टर वाले थे नहीं स्पेशल
फसारिया ने फरी में गेड़ी ना, तो डेढ़ करोड़ में पड़ा है। हाँ या मैं टी मुट्टी रोड जो ये काम दो मैं मजदूरी का आप कर यार, जितना छत्ता में मिट्टी डालनी या पाड़ा देड़ी जो मिट्टी करी रोड़े फोड़े ये सब गांव वाले आप मेहनत ही दे, जिसका गाँव का जिम्मा ला जा कर दे वो आप आया करना काम कर दिया कर दे। तो देखो एक बार ऊपर करना सारी चीज़ एक एक सारे पंखे लाग रहे हैं, एक एक चीज़ बड़ी मतलब उस तो बना रखी है, मतलब पहले होया करती थ्याई चौपाल, पहले अपने सारे गामा में पाया करती जो संस्कृति थी अपनी हरियाणा की धरोहर मानी जा चौपाल, लेकिन फिर तो मैंगलपुर गांव में या धरोहर दोबारा तक खड़ी कर दी और वो भी तीन मंजिली ऊपर तभी आपने दिखाओगे पुराने वाले की फोटो तैयार कर रख रखी हमने, कहो तो फोटो मंगवा सकते हैं आप, इसमें मैं जुड़वा दिया एक बार पहले इसने ऊपर देखेंगे बोलियो इसका ताला रहे एक बार तीन मंजिली बना दी है ना ऊपर तो ही देखेंगे पूरी बड़ी पंचायत है, इतनी बड़ी चौपाल है। हाँ इसमें सारा कितना चाहे 200-400 आदमी कितने आओ किसी दिक्कत कई गामा ही कर लो। हाँ कितने काय गामा की कोई पूरे करो दिखाओगे भी किस प्रकार सारे का आप जड़े भी देखोगे। चेयर दरी है मतलब बरात आ जाए तो मालिक ने कुछ नहीं लेना तो ऊपर नहीं होया करती थ्याई होया करती जो नहीं होया उसमें बरात आ जाती जब पंचायत थोड़ी होती वह हो जाती। हाँ वो पहले खाट सारी के लिए आते गाँव से घर घर से। हाँ भैया हमने कुछ नहीं मांग के लिए आना, सिर्फ इसका क्या किताब भी दे दिया, दरी है यहाँ पर कुर्सी है सारी सारा सौदा इनकी तब भी अच्छा इसका भीतर भी है लाइब्रेरी बनवाई थी इसमें ऊपर ली मतलब हाँ बच्चे पढ़न फाटन खातर वो नीचे। यो काम और भी बहुत बढ़िया करवा दिया है मंगलपुर वाले ने, लाइब्रेरी भी साथ में दूसरे मंजिल पर लाइब्रेरी है दूसरे मंजिल पर ली मतलब बेली है रे वदी जो अंदर लिए को नहीं समड़े दी बरात गुरु स्थान है बढ़िया काम करवाया इसी सब लाइब्रेरी है और टाइल नहीं है 45 रुपये फुट के। हाँ जी ये कहना 45 रुपये फुट का भाव में लिया उस टाइम में ये थे तो मतलब 50 है फिर वो हमारे गांव की जो पंचायत ही नहीं बोले जीता मैं वो जान पिरा नहीं बोले जीता मैं सारी हण करो ले जो मैं आया ये दामा का दे दूँगा कुछ नहीं वो तो उसको शौक करवा रखा दूसरे फ्लोर पर मतलब लाइब्रेरी हो हाँ दूसरी मंजिल इतना ही ऊपर ले पासा है जो इसकी देखेंगे इतना एक बार बाहर तक दिखा दे ये देखो मतलब पूरी देखिए ये देखो पूरी मतलब की कारीगरी बहुत बढ़िया सारा पत्थर है सारा पत्थर का डिजाइन कटवा रखा है मतलब जी लाख पीसा ला रखा है आपसे बनवा रखा जी अच्छा। हाँ ये कारीगर भी बाहर हाँ ये है मतलब ये के ना तीन तिया लो ये एक स्पेशल 1000 रुपया में पड़ रही है स्पेशल 1000 रुपया। हाँ जी आज स्पेशल राजस्थान से पत्थर आएगा ना बनाया उड़े तो पत्थर लिया ना बनाया कर 300 रुपये फुट तो ऊपर अगर चौपाल ना उड़ा खड़े होकर देखा ना तो न्यारा जी लगता है। हाँ न्यारा उड़ा जी जितना आदमी आवा है और सारे फोटो तर तर के ले जाए बैरी गए इसकी चौपाल के चौपाल ले सी बना दी तब हाँ भाई जी लागन की हाँ तीसरी मंजिल पर देख ले तब हाँ जो यार लाइब्रेरी बना दी है दूसरे मंजिल पर बच्चा खातर ठीक है। अच्छा यो बढ़िया काम कर दिया है मतलब देखो चौपाल की गेला लाइब्रेरी में जो दूसरा दूसरी मंजिल है उस पर लाइब्रेरी की सुविधा दे दी है गांव के बालक पढ़ सके आगे पढ़ सके हैं बिल्कुल। ये ऊपर भी बाथरूम लैट्रिन है सारे का बाथरूम लैट्रिन है तीनों मंजिलों हाँ हाँ तो ऊपर चल सारा पानी की सुविधा है ऊपर टंकी रख रखी है 1000 लीटर की ऊपरली मंजिल पर देखो ताऊ का है मतलब इसमें 96 लाख है लेकिन जो बहुत सारी चीज इसी है अगर जो गांव वाला ना अपने सहयोग तक करती नहीं तो ये 1.5 करोड़ की लागत है या चौपाल खड़ी हुई है। हाँ 1.5 तो फिर जो गांव वाला सहयोग करी मिट्टी ले आए भैर है वह सारी फ्री में है ट्रैक्टर से जितने ट्रैक्टर आने बोले हमें आप पे फ्री में ले आए जो सरिया सुरिया ट्रैक्टर आने फ्री में ले आए हाँ भाड़ा भूड़ा नहीं ले 2 करोड़ में जावा
ये शौक था ना जी अरे गाँव वाले का देखो काम होता पढ़ना तो मजदूरी नहीं लाई गाँव वाले तीसरी मंजिल देख लेता हूँ तो एक चीज कहानी पड़ेगी गाँव का एक का पूरा है महाराज जी बी एक है देखो चार आदमी आने मटलो की बी कोई मंजूर फैसला ले जाने यह चीज है ना तो यह एक का दिखा भी गांव वाले ने एक का है जाते हैं इतनी बड़ी चौपाल ये लाइब्रेरी लड़कियां की एक साइड लड़कियां की एक लड़कियां की अच्छा मतलब देखो बहुत बढ़िया काम कर रहा है एक साइड लड़कियां की और एक साइड छोरिया की लाइब्रेरी है वाह वाह यह बहुत बढ़िया काम कर रहा था अब छोरिया खातर भी नारी बना दी अलग अलग बना दिया बीचों बीचों करवाया था ना बढ़िया काम लड़के लड़की अपने अलग अलग पढ़ो कोई दिक्कत नहीं कति सुथरा काम करवा दिया काम में भी आओगी बालक भी आगे बढ़ेंगे बच्चों का अपने बच्चों का सुविधा पढ़ेंगे बच्चे बाहर कौन जाना पड़े तो एक बार तीसरा मंजिल और दिखाओगे अपने तीसरी मंजिल पर दूसरी मंजिल पर बहुत बढ़िया काम करवा रखा है और मतलब देखो ऊपर तले नीचे थी सारे का राजस्थानी पत्थर ला रखे हैं स्टील की ग्रिल ला दी सारे का और तब इसकी साफ सफाई कट्टा लेगा ये सारे दरवाजे सिस्टम के हैं जी अच्छे सिस्टम के दरवाजे ला रखे ये सारे दरवाजे सिस्टम के ये 500 रुपये फुट में बनवाई अच्छा ये दरवाजे 500 रुपये फुट में मामे हंसी गए इशार गए ये सारा ओड़ हमारा लकड़ी करी है पिछले फिर एक अंदर आना पुरानी लकड़ी पड़ी थी के ना जंगलैत की वह हमारे पास है जो और तो सारे चरसे चरसे में चढ़ुआवे थे ले जाए चढ़ावे थे उसको फिर मैं वो नहीं बोला भाई पांच सौ में चढ़ाऊंगा लकड़ी की जिम्मेवारी फिर हम मामा भाई पांच सौ जाएंगे मतलब तो एक एक चीज छाट के ला रहे हाँ हाँ ये चौकट से पूरी पांच बाई तीन की छोटी छोटी हाँ सारी झाकी चौकट चौड़ी न्यू की न्यू लिया फिर ये मामे सारा उड़ा लिया लकड़ी नहीं मिली हमने फिर हमें स्पेशल कैथल जाएगा कैथल जाकर साई देकर फिर बुड़वाएगा फिर लिया पूरा लंबा टाइम लग गया हाँ पूरा लंबा टाइम लग गया भाई हमें पांच छह आदमी थे लेंदे जाते जो जाते वो इतना से हो गया है मतलब और भी फालतू पीछे लग गए जुगुरा में कैथल गए नहीं भाड़ा कर चार आदमी गए अपनी गोदी का खर्चा कराए वो इस समय तक गाँव वाले पीछे में तक नहीं गए लगाए मतलब तुमने तो वो लगाया था वो जो मतलब लागत लगी हाँ बस एडे लागत लागी वाह वाली खेस बहर वाली तो साइन जुगुरा मैं जयपुर गए मैं मतलब कहना चार चार पाँच पाँच हज़ार रुपया खर्चा आया हाँ सिर्फ हमने उनका भाड़ा भाड़ा लिया और खाना पीना हमारी जेब से खा दो करोड़ पता जाए पड़ा है भाई। जाए पड़ा तो देखो मतलब ऊपर की एक बार छत देखो सारी कठोर बहुत सुधरी बना रखी है ये देख ये किस तरीके कठोर बना रहे जो पहले होया करती ना पहले की डिजाइन किन्नू किन्नू बना रखी है मतलब बना दी नहीं अपर डिजाइन पहले वाले काट रखे सारा नक्शा ये पड़े गाँव का मिस्त्री था और हमारे यारे मैं मिस्त्री हूँ मैं भी दांगड़ा तो देख रेख और सारी पत्थर पुथर वाले दो अड़े हाजरी लानी देखनी अच्छा, मंजिल है हाँ चौथी मंजिल भी है ना चौथी ऊपर पैड़ी 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 है फिर पूरा काम दिखता होगा और सब काम देखो पूरा काम काम के वो दिखा आज तो मंगलपुर में देखेंगे हाँ देखो भाई तो देखो चौथी मंजिल पर पैड़ी चढ़ा रखी है अड़े तो पूरा गांव दिख जाएगा मंगलपुर और बहुत बढ़िया शोभा बना रखी है यह गांव की एकता है जो इतनी बड़ी चौपाल बना दी 2 करोड़ की लागत तक सारा खर्चा लग गया जाता 2 करोड़ की लागत है चौपाल खड़ी हो रही है और लोहाड़े तो पूरा मंगलपुर दिख जाएगा अपने मंगलपुर का मंदिर जोड़ दिखा है वो है हाँ, दिखा था हाँ ये साइड में सफेदिया में हो गया द्रोली दिखा न्यू की न्यू द्रोली सुरबरा हाँ ये हाँ ये दे साइड में दे दो दवानियों का खेड़ा दोनों मैं ही रह गया है ये सारे काम दिखे दो बड़म पर भी दिखा उरे तो आपको मौज कर दी है मौज कर हां भाई मौज ते नगरी वाले मारे मैं लिख के दिया 15 अगस्त को 26 जनवरी को झंडा लहरा रहा हूं झंडा सफेद राष्ट्रीय झंडा आई साल हर साल 26 जनवरी को इसका झंडा का लरामा सारे गांव के आज फटा तो मैं तो एक बात कहूंगी कि मतलब यह मंगलपुर वाले की एकता है हाँ पूरी अगर इतनी बड़ी चौपाल अगर या 2 करोड़ लगे है ना तो यह एकता के कारण लगे हाँ एकता है जी मारा तो भी मान ले जो कोई हो जाए चार आदमी आएगा जो कर लेने वो ही एकता हमारा गांव में इसी चीज की है को नहीं मारा तो भी सरपंच बना नहीं सारी बस भी ना 20 दिन रहा तो मैं फिर बने पास बल्कि जो खुद वाले हुए तो पता ना जो आ रहा है और विरोधी हुए पहला
भाईचारा बढ़िया। हाँ सारा प्रेम भाई, सिर्फ दो एक भी नगा रहा है मारी खांचा ता नहीं, बस सरपंच मैं बनू तो मनु फिर एक के इकट्ठे कर दर। अच्छी बात बताओ तो देखो, पहले तो है मतलब पहले तो अच्छी बात यह है कि मैंगलपुर का भाईचारा बहुत अच्छी बात है। मैंगलपुर के भाईचारे ने मिलकर और यह इतनी बड़ी चौपाल जो कि अगर सारी लागत लगाई जाए तो 2 करोड़ की लागत यह बनी है। और जो देखो हरियाणा की धरोहर होया करते चौपाल होया करती, थ्याई होया करते, कुएं होया करते, तो ये हरियाणा की धरोहर होया करती है, कितने कितने ये खत्म होते जान लग रहे हैं। लेकिन मैंगलपुर वाले ने अटके या शुरुआत कर दी है, करीब 2 करोड़ की लागत है या चौपाल बनाई गई है। और इस चौपाल के बारे में आपका क्या कहना है, अगर बाहर तो देखोगे तो ऐसा लगा जो अलीशान महल खड़ा है, तो इतना बड़ा महल के प्रकार की या चौपाल बना दी है, आपका क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो। और बाकी या तभी यह रिक्वेस्ट रहेगी 20 प्रकार की धरोहर ने संभाल कर रखो, जिसके पास पुरानी है उसकी मरम्मत करवाओ, और नहीं तो जैसे मंगलपुर ने अपने भाईचारे के साथ मिलकर बनाई तो इसी प्रकार बनाओ और तस्वीरों तो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। न्यू बोले भाई यहाँ का टाइम तो कौन रहे, फिर जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे रो रू न्यू बोले भाई रहे तो कोई नहीं, ये तो एक नगरी की शान है, पगड़ी है, बिल्कुल आने जाने वाले को फलानी दिखड़ी बात है आई, ये तो एक नगरी की शान है, पगड़ी है, तो यही जानी रहो फिर रह गया के। और तो देख ब्याह हो शादी हो पंचायत हो सारी चीज हो, सारी चीज हो इसमें इसी करके नहीं, या फिर दोबारा जरूरत मामला या सारी सहम करा। और पर तीसरा था जितनी भी बरियात आया करती छोरी की सारी चौपाला में रुके, चौपाला में ई भी हमारा तो काम की सारी इसी में आवे है। अच्छी बात। हां उरे से एक और है हमारा काम, हमारा काम में ये कड़कड़ फिरनी है नहीं, इस जो ट्रैक्टर में को वो लगा रहा टैप टूप डीजे पीजे और इस मोड़ मोड़िया का बहर बहर खेतम बजा ले गांव में उरा इंदे बंद हो जाए, बिल्कुल बंद ट्रैक्टर पैर डीजे नहीं बजेगा हमारा कोई घर में ब्याह शादी खुशी हो जी, कोई डीजे डा दे कोई किसी प्रकार का क्यों आपको पटाखा पटुका बजा दे तो नहीं। चलो अच्छी काम की फिरनी का बाहर बाहर कोई बजा लो हमारा काम के बीच में तो ऐसे कोई गाना बजाना डीजे पीजे का कुछ नहीं करेगा। हाँ ये 25 साल का नेड़ा हो गया हमने, ये बंद कर रखा था। हाँ बंदी कर दी थी हमने डीजे डाजा। हाँ हमारा काम का एक एक था बिल्कुल, जो कोई बड़ा न्यू कह दे नहीं ओड़े तो बंद कर दिया आप, फिर हमने जमा सुन ली तो आगे थरेट बच्चे जागरूक होगी ठीक है ना। अपने तो मतलब हरियाणा में ताई चाची गीत गाया करें गीता बना चाहे, ये चीज तो बंद होती जान लग रही है, डीजे बजना करे हैं वो डीजे पर वो सुनते तो कोई नहीं है, बुढ़िया भी कूदो वहाँ भी कूदो, मेरा यार मेरा वो बुढ़िया का भी यार, छोरों का भी यार, खसम का भी यार, सहरिया का यार, बता सही बात है। फिर इसमें डीजे पे यो शराब वाला और गुंडा का अच्छा, इसमें शराब भी बाहर निकाल मारा था, शराब नहीं गांव में शराब नहीं 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 ओड़ा बाहर छेका है हमारा, और गांव में कड़िया खुर्दा खरदा किसी प्रकार का कोई नहीं, ओड़े जा जगह जीती पीने ओड़ा पिए जाए और आए जाओ, अरे को गांव में लिया कने पीवे पाए नहीं जीती पीना भरे पीवो। अच्छा काम है ताऊ। हाँ तो देखो ये ताऊ और ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, मैं तेने कहूँ सारे गांव में ऐसा ही होना चाहिए जैसा मंगलपुर वाले ने कर रखा है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपके आसपास भी जो हमारी धरोहर है चौपाल है या और पुराने दरवाजे हैं आपके गांव में भी है क्या, उनको भी कवर करना चाहेंगे, लोगों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज़ खत्म होती जान लग रही है, नई जनरेशन ने कति नहीं बेरा, तो इसलिए मैं भी तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।